जी हाँ दोस्तों, जो लोग 6th पास है, 8th पास है या 10th पास है या फिर 12th पास है, तो दोस्तों वो लोग जो हैं स्पेन जा सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद एंड आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल अपने जॉब्स को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ जाकर लाखों रुपये पर मंथ अर्न करना चाहते हैं, पर दोस्तों उन्हें देखिए कोई भी बंदा सही गाइड नहीं कर पाता है कि किस तरह से यूरोप जा सकते हैं या फिर किस तरह से वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं या फिर उनको किस तरह से वहाँ जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, स्पेन गवर्नमेंट जो है देखिए हर साल वैसे तो काफ़ी सारे वीज़ाज इशू करती है, जिनमें से सीजनल वीज़ा भी होते हैं, जिनमें से वर्क वीज़ा भी होते हैं। एंड बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं जो देखिए इन वीज़ाज़ को लेकर स्पेन जाते हैं एंड वहाँ जाकर जॉब करते हैं, लाखों रुपये कमाते हैं। इसी के चलते देखिए दोस्तों, मैंने कल भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है अबाउट स्पेन, कि स्पेन गवर्नमेंट जो है देखिए एक नया वीज़ा स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस वीज़ा का जो नाम है वो है नोमेड वीज़ा। एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक विजिट वीज़ा होता है। इस वीज़ा पर स्पेन जा सकते हैं, वहाँ 3 साल तक इस वीज़ा पर रहकर काम कर सकते हैं। बट दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें इंडिया से ही वर्क परमिट मिल जाए, यानी हम इंडिया से ही वर्क परमिट लें एंड वहाँ चले जाएं एंड ये वर्क परमिट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो दोस्तों, स्पेन गवर्नमेंट देखिए हर साल जो है सीजनल वीज़ाज इशू करती हैं, जो वीज़ाज देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इन वीज़ाज के अंदर आपको जॉब्स मिल सकती हैं स्पेन कंट्री के अंदर। तो दोस्तों, इन वीज़ा के अंदर देखिए आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सीजनल वर्क वीज़ा जो है देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हर साल इशू करती हैं, जैसे इटली भी सीजनल वर्क वीज़ा इशू करती है, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये 3 ऐसी कंट्रीज देखिए सीजनल वर्क वीज़ा इशू करती है एंड ऑल्सो स्पेन। तो इन वीज़ाज़ के अंदर दोस्तों जो जॉब्स होती है वो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड होती है, जैसे फार्म वर्कर या फिर फ्रूट पिकर। तो ये 2 जॉब ऐसी होती है दोस्तों जो आपको सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर मिल जाती है। तो ये दोस्तों जॉब जो है देखिए न्यूजीलैंड के अंदर है। न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर आपको फार्मिंग या फिर फ्रूट पिकिंग की जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं। एंड हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग देखिए दोस्तों हर साल स्पेन जाते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं, अच्छा पैसा अर्न करते हैं। दोस्तों, स्पेन के अंदर जो देखिए काफ़ी सारी जॉब्स निकली हुई है फार्मिंग में एंड फ्रूट पिकिंग में। एंड दोस्तों, इन जॉब्स में आप लोग 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं एंड जो कंपनीज होती है आपको अपनी तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का देखिए एक क्वेश्चन है कि शहबाज भाई, हमारी जो है एज 50 ईयर्स की है, तो क्या हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब्स होती है इन जॉब्स में एज लिमिट नहीं होती है। आपकी एज अगर ज़्यादा है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आपको जॉब्स देखिए मिल सकती है अगर आप लोग इंडिया में हैं एंड यहीं से आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं स्पेन का? तो सबसे पहले देखिए, आपको एक जॉब ढूंढने की ज़रूरत है, यानी आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको स्पॉन्सर कर दे, यानी जो आपको जॉब प्रोवाइड कर दे। तो दोस्तों, जॉब ढूंढने का तरीका सेम है। आपको सबसे पहले एक CV बनवाना है, कवर लेटर बनवाना है, जो कि आपका यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्पेन कंट्री है ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो सबसे पहले आपको एक CV बनवाना है, कवर लेटर बनवाना है यूरोपियन स्टैंडर्ड का, एंड उसके बाद आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, जितना स्ट्रॉन्ग आपका CV रहेगा, कवर लेटर रहेगा, जॉब्स मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग अपना CV या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं यूरोपियन फॉर्मेट में, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग जो है मुझसे अपने CV बनवा रहे हैं, कवर लेटर बनवा रहे हैं एंड जॉब्स के लिए अप्लाई भी करवा रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों देखिए, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है माल्टा का, तो बहुत सारे लोगों देखिए इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है एंड उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका देखिए वीज़ा भी आने वाला है। तो जो लोग अपना CV एंड कवर लेटर बनवाना चाहते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मैं आपको ये दोनों जॉब्स बताता हूँ जो स्पेन में निकली हुई है, वर्कर एंड फ्रूट पिकर की। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए एक जॉब है फ्रूट फार्मिंग जॉब्स इन स्पेन फॉर फॉरेनर्स। तो ये जॉब जो है दोस्तों स्पेन कंट्री में अवेलेबल है एंड ये जॉब जो है देखिए फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। तो हम दोस्तों इस जॉब में अप्लाई करते हैं इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो जब हमने वहाँ पर क्लिक किया तो देखिए हम आएंगे नेक्स्ट पेज, इस जॉब में दोस्तों हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के मिलेगा अप्लाई फॉर ए जॉब का, हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना है।
एंड यहाँ पर हमें एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी जॉब्स अभी इस बैन में पैकेजिंग या फिर फॉर्म वगैरह की अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर देखिए आपको सारी जॉब्स देखने को मिल जाएंगी जो अभी इस बैन कंट्री में अवेलेबल है, फॉर फार्म वर्कर, फार्म लेबलर एंड फ्रूट पिकर, इस तरह की जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में देखिए गूगल ट्रांसलेट रहेगा तो आप जो है स्पेनिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि जब आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी स्पेनिश। तो एक जॉब यहाँ पर अवेलेबल है एग्रीकल्चर लेबरर्स की, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे एंड हम आएंगे नेक्स्ट पेज में। तो गाइस ये जो वेबसाइट है हमें लेकर आ चुकी है इंडीड वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी इस जॉब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अप्लाई ऑन द कंपनी साइट, हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस आप आएंगे नेक्स्ट पेज में। बट जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो है गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल ज़रूर करना है, क्योंकि आप जो है उसके बाद लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज को इंग्लिश में। तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में एंड यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको गाइस इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप अप्लाई करने के लिए आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आप जो है इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। एंड गाइस इसी तरह से देखिए और काफ़ी सारे से फार्म्स हैं, काफ़ी सारी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनमें जॉब्स निकली हुई है, काफ़ी सारे से फार्म्स हैं जिन फार्म्स में लेबरर की जॉब, फार्म वर्कर की जॉब, फ्रूट पिकर की जॉब्स निकली हुई है। आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कुछ फार्म्स के नाम दिए हैं, आप जो उन फार्म्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी जॉब जो स्पेन कंट्री के अंदर उन फार्म्स में निकली हुई है, तो आपके पास एक अच्छा चांस है आप जो है उन फार्म्स में भी डायरेक्टली कंपनीज में, उन कंपनीज में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए ये एक वेबसाइट है, आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप है साइन अप करें, आप लॉगिन होएं वेबसाइट पर एंड अपना सीवी रजिस्टर करें, कवर लेटर रजिस्टर करें एंड आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये सभी जॉब्स जो है देखिए काफ़ी बड़े लेवल पर होती है, काफ़ी सारे लोग जो है देखिए फार्म वर्कर्स, फ्रूट पिकर, इस तरह के लोग की देखिए ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो आपको इन कैटेगरीज में जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक अच्छा चांस है आप जो है स्पेन कंट्री के लिए इन दोनों जॉब्स में अप्लाई करें, आपको जॉब्स मिल जाएंगी दोस्तों, तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। एंड जैसे मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि स्पेन गवर्नमेंट जो है एक वीज़ा इशू करने वाली है, नोमैड वीज़ा, एक विजिट वीज़ा, तो आप जो है चाहे तो उस वीज़ा को लेकर भी स्पेन जा सकते हैं।